So finally guys, इतने इंतज़ार के बाद, इतने ज़्यादा मैंने बोला भाई, इतने समय के बाद मैं बोलूँगा, एक ऐसी मूवी हमें देखने को मिली जिसका इंतज़ार हम सभी को दिल से था, यानी एक कॉमेडी ड्रामा के साथ एक एंटरटेनमेंट से भरपूर यहाँ पर मूवी हमें फाइनली देखने को मिली सिनेमाघरों थिएटर्स में, जिसका नाम है डंकी। डंकी ने फाइनली थिएटर्स में दस्तक दे दी एंड फाइनली यहाँ पर ये मूवी रिलीज हो गई। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर मूवी के बारे में, तो मूवी का रिव्यू मेरे चैनल पे आ गया है, अगर आप देखेंगे तो आ गया है। अगर आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर देना उसको भी, अगर अच्छा लगे रिव्यू तो बताना कैसा लगा मेरा रिव्यू। उसमें मैंने कंप्लीट अपना मूवी एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरा थिएटर एक्सपीरियंस सब कुछ बताया, प्लस मैंने मूवी का कंप्लीट ऑनेस्ट रिव्यू एक एक एलिमेंट के ऊपर मैंने उसमें बात की मूवी के बारे में। तो ज़रूर से इस रिव्यू को चेकआउट करना और ज़रूर से अपना प्यार उस रिव्यू को देना। वहीं पर हम लोग बात करें आज की इस वीडियो की, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मूवी डंकी के बारे में कि क्या कुछ यहाँ पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस आज के दिन मूवी डंकी अपने डे वन पर करते दिख रही, यानी कि डे वन की टोटल लाइफ टाइम मैं बोलूँ सॉरी टोटल एडवांस बुकिंग, फाइनल एडवांस बुकिंग कितनी हुई अपने डे वन के लिए। वहीं पे हम लोग बात करेंगे कि आज के दिन मूवी डंकी कितना क्या कुछ कलेक्शन करते नज़र आ रही है, सब बात करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना, वीडियो को भी करो लाइक, चैनल बनाए तो प्लीज़ करो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, क्या ज़्यादा तुम्हारा कर दो ना सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बिना टाइम आज की इस अमेजिंग सी वीडियो को करते स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मूवी की कि क्या भैया क्या कुछ एट द एंड मूवी की एडवांस बुकिंग हमें देखने को मिली, क्या कुछ रिस्पॉन्स मिला एडवांस बुकिंग में शाहरुख खान के फैंस से या फिर राजकुमार हिरानी जी के जो फैंस हैं, मूवी फैंस हैं, मूवी लवर से क्या कुछ रिस्पॉन्स मिला फाइनल डे वन की एडवांस बुकिंग का। तो एडवांस बुकिंग का जो डे वन का इंडिया की कलेक्शन जो आई एडवांस बुकिंग कलेक्शन, वो लगभग 15.50 करोड़, जी हाँ लगभग 15.5 करोड़ मूवी ने एडवांस बुकिंग के थ्रू ठोक के मारे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने भारत देश, यानी कि इंडिया से यहाँ पर 15.5 करोड़ की कमाई मूवी ने कर लिया, यानी कि डंकी मूवी ने अपने पहले दिन की 15.5 करोड़ की कमाई एडवांस बुकिंग के थ्रू कर ली है। वहीं पर लोग बात करें कि भाई ओवरसीज यानी कि फॉरेन कंट्रीज बाहर के देश से क्या कुछ है, क्योंकि हमने देखा था कि शाहरुख खान अभी दुबई गए भैया, और भी बहुत सारी देशों में यहाँ पर फॉरेन कंट्रीज़ में मूवी का क्रेज़ बहुत ही ज़्यादा, यूएस यूके में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है मूवी का देखने को मिला है। तो अगर हम लोग बात करें कि क्या कुछ एडवांस बुकिंग के थ्रू बाहर से रिस्पॉन्स है, तो ऑफिशियल नंबर आज नहीं है, कल परसों तक हमारे पास ओवरसीज़ के फाइनल ओवरसीज़ के यहाँ पर हमारे पास एडवांस बुकिंग के नंबर आ जाएंगे, बट अभी के अनुसार देखा जाए तो लगभग 10 से 15 करोड़ की, अकेले 10 से 15 करोड़ की एडवांस बुकिंग यहाँ पर आराम से मिनिमम यहाँ पर रात तक की रिपोर्टें बता रही है, अभी सुबह की नहीं आई है, सुबह और दिन की नहीं आई है, शाम तक की नहीं आएगी, आज के दिन रात में आएगी, आज या तो आज रात में आएगी या कल सुबह दिन तक आएगी, ठीक है। बट जो कह रही हुई है कि भाई मूवी लगभग 15 करोड़ तक की कमाई करते हैं मिनिमम दिखे एडवांस बुकिंग में ओवरसीज, यानी कि बाहर के देश से लगभग 15 करोड़ के आसपास समथिंग मूवी ने अभी तक टोटल कमा ली एडवांस बुकिंग के थ्रू। अगर हम लोग इसको एड ऑन करते कहीं ना कहीं मूवी की कमाई 28, 29, 30, 31 यानी कि ऐसी कुछ लाइन में, ऐसी कुछ रेंज में यहाँ पर मूवी की डे वन की टोटल एडवांस बुकिंग वर्ल्ड वाइड हुई है, जी हाँ। वहीं पर लोग बात करें कि देखो एडवांस बुकिंग देखा जाए तो एक ड्रामा, एक कॉमेडी ड्रामा मूवी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ही सही एडवांस बुकिंग हुई है, बहुत ही सही। अगर डंकी के बदले जवान होती तो हमने देखा था जवान की क्या कुछ एडवांस बुकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस थी, सेम हमने पठान के समय भी देखा था, ठीक है। बट यहाँ पर अगर हम बात करें एक ड्रामा कॉमेडी से भरपूर मूवी, तो उसके साथ इतनी एडवांस बुकिंग होना इज़ वेरी गुड, वेरी 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 गुड, बहुत अच्छी कलेक्शन है एडवांस बुकिंग की। वहीं पर हम लोग बात करें कि डे वन पे यहाँ पर क्या कुछ डंकी मूवी कलेक्शन करते दिख रही है, तो बता दूं आपको डंकी का आज का जो अर्ली एस्टिमेट आया है सुबह का, वो ये बता रहा है कि मूवी डंकी आज कहीं ना कहीं इंडिया नेट हो या फिर हिंदी नेट हो, क्योंकि मूवी को सिर्फ एक ही लैंग्वेज में रिलीज़ किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा में, हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ हो रहा है। उसके अनुसार देखा जाए तो मूवी आज कहीं ना कहीं लगभग 35.5 करोड़ या 35.5 करोड़ यहाँ पर कमाते दिख रही है सिर्फ और सिर्फ अपने भारत देश से, या फिर हम लोग कहें इंडिया नेट हो तो भी 35.5 करोड़, वहीं से हम लोग बात करें हिंदी नेट तो वहीं से भी 35.5 करोड़ ही दिख रहा है, क्योंकि मूवी को दूसरे लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं मिला है, इसलिए हम लोग बात करें तो लगभग 35.5 करोड़ 35.5 करोड़ यहाँ पर मूवी डंकी आज के दिन हमने पहले दिन इंडिया से कमाते दिख रहे हैं। वही हम लोग बात करें कि बाहर के देश से कितना आता दिख रहा है, तो अगर हम लोग बाहर के देश से एक एक्सपेक्टेड नंबर ले लेना, क्योंकि 10-15 करोड़ की बुकिंग हुई है, तो आराम से अगर हम लोग मान के चले कि 30 करोड़ भी आता है, 30 तो मिनिमम हम लोग मान के चलते कि 30 करोड़ बाहर के देश से आएगा, तो तुम उसे एड ऑन कर लो तो देखो तुम्हें नंबर जो मिलेंगे वो कहीं ना कहीं 70-80 करोड़ की रेंज में होंगे, 70-80 करोड़ के यहाँ पर रेंज में होंगे, जिसके चलते अगर हम लोग माने तो आज कहीं ना कहीं मूवी 75 करोड़ के बीच की टोटल अपने डे वन की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है, जो कि प्योरली शॉकिंग है, जोरदार है, धमाकेदार कलेक्शन है, एक
कॉमेडी ड्रामा मूवी के लिए तो बहुत सही, यहाँ पर हम लोग बात करें तो बहुत ही सही कलेक्शन है, जिसके चलते अगर हम लोग बात करें, आप में से बहुत लोग बोलेंगे कल सलार आ रही, तो सलार क्या स्क्रीन कम होगी, ऑब्वियसली स्क्रीन कम होगी, होगी भाई आज एक्वामैन है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, भले बहुत ही कम शोज यहाँ पर डिडक्ट हुए एक्वामैन के चलते, बट कहीं ना कहीं शोज कम होंगे उसके कोई, बट हम लोग को चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि अभी तो पूरा क्रिसमस का भी पूरा ऐसा एक तरह से आप वीकेंड मान लो, पूरी अभी लगातार एक तारीख तक छुट्टियाँ, तो आप इतना मान के चलो कि मूवी को कोई बहुत बड़ा ड्रॉप एकदम ऐसा नहीं कि भाई 70-80 कमा रही है तो कल के दिन यहाँ पर एकदम 20-30 करोड़ होगा, ऐसा होने ही नहीं वाला, ड्रॉप देखने को मिलेगा एकदम छोटा मोटा ड्रॉप मिलेगा, आई मीन 15-20-10 करोड़ का ऐसा कुछ ड्रॉप देखने को मिलेगा, इतना बड़ा ड्रॉप मत मानो आप कि भाई आज एकदम 80-90 करोड़ कमा रही, कल एकदम 50-40 पे आ जाएगी, परसों 20-30 और यहाँ पर एक दो हफ्ते में डेड, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अभी पूरी छुट्टी है तो इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि इतने भी बड़े ड्रॉप हमें देखने को नहीं मिलेंगे, बट आज की बात करें तो लगभग 70-80 करोड़ की रेंज में यहाँ पर मूवी आज कलेक्शन करते दिख रही है अपने डे वन पर। अब देखना ये होगा कि कल के दिन यहाँ पर क्या करेगी कमाई, क्योंकि कल सलार भी आ रही है, स्क्रीन भी बढ़ रही है, तो कल का एक अलग ही गेम है, बट आज के हिसाब से लगभग 70-80 करोड़ समथिंग की मूवी वर्ल्ड वाइड कमाते दिख रही है। वहीं पे हम लोग बात करें तो यहाँ पर रिस्पांस अच्छा मिला है, बाकी मैं ये बोलूँगा रिव्यू चेक करना तो मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो, बहुत अच्छा और कंप्लीट ऑनेस्ट रिव्यू विदाउट एनी स्पॉइलर है भाई, जरूर जाकर चेक करो, मजा आ जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। टिल देन बस आज के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, एक सब्सक्राइब कर दो, क्या चाहता तुम्हारा, कर दो ना सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।